हेलो एवरीवन, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की क्लास 8 की वर्कशीट 44 करेंगे। तो ये 30 दिसंबर की है, क्लास 8 की, फोर्स एंड प्रेशर से रिलेटेड है। तो आइए इस वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। ये जो है, ये वर्कशीट है हमारी, दैट जो फोर्स अप्लाई करती है एक ऑब्जेक्ट में अगर सेम डायरेक्शन में, और तो हमें स्पेसिफाइड डायरेक्शन चाहिए। तो फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट कैन चेंज इट्स स्पीड। जो फोर्स अप्लाई होती है किसी ऑब्जेक्ट पे, वो उसकी स्पीड भी चेंज कर सकती है। और अगर इफ द फोर्स जो है ये डायरेक्शन में है मोशन के, तो जो स्पीड है ऑब्जेक्ट की इंक्रीज होगी। और अगर इफ द फोर्स जो है ये जो है ये डायरेक्शन में है जो कि अपोजिट है डायरेक्शन ऑफ मोशन के, देन ये हमारी डिक्रीज होगी स्पीड। फॉर एग्जाम्पल, हम अभी इसे एग्जाम्पल से समझेंगे। एक गोल कीपर डाइव करता है या जंप करता है बॉल को सेव करने के लिए, तो द फोर्स जो अप्लाइड की जाती है उसके द्वारा वो स्टॉप कर लेती है बॉल को, और जो गोल है वो रुक जाता है। तो अगर वो स्टॉप कर लेता है तो, है ना। ऑन द अदर हैंड, अगर हम टायर को मूव करते हैं फास्टर, इट हैज टू बी पुश्ड, इसे बार बार पुश करना पड़ता है, विच मीन्स दैट फोर्स हैड टू बी अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इसका मतलब फोर्स को डायरेक्शन ऑफ मोशन में अप्लाई करना पड़ता है, जिस वजह से स्पीड इंक्रीज होती है। तो पहले एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है, और दूसरे में इंक्रीज करवाई जा रही है। अब आगे, जो चेंज है इज आइदर इन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इट डायरेक्शन ऑफ मोशन। जो चेंज है ये या तो इसकी स्पीड में होगा या डायरेक्शन में होगा या दोनों में होगा, जैसे कि हमें बताया गया है। देर आर ऑल्सो सम एग्जाम्पल्स, इसकी भी कुछ सिचुएशन है जिसमें जो ऑब्जेक्ट है वो फ्री नहीं होता मूव करने के लिए। जब हम प्रेस करते हैं डो के, एक छोटा छोटा सा डो बना लेते हैं उसकी, डो की बॉल टाइप की, और जब हम उसे रोल करते हैं बेलन से, उसे चपाती बन जाती है, चपट जाता है ना, चपाती बन जाती है उसकी। तो जो एप्लीकेशन है फोर्स की, इन दीज केसेस इनसे चेंज हो रही है क्या शेप, तो आज हमने इसी के बारे में जाना। अब आपको दो एग्जांपल्स बताने हैं ऐसी सिचुएशन के, इन विच जहाँ पे स्टेट ऑफ मोशन में चेंज हो रहा हो। तो आप ये एग्जांपल बताएंगे, या गोल कीपर डाइव और जंप टू सेव द गोल, द फोर्स अप्लाइड बाई हिम कैन स्टॉप और डिफ्लेक्ट द बॉल एंड सेविंग अ गोल फॉर हिम। ऑन द अदर हैंड, इन ऑर्डर टू मूव अ टायर वी हैव टू पुश इट रिपीटेडली इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगला क्वेश्चन सेकेंड, चाइना रोज जो इंडिकेटर है ये बेसिक सोल्यूशन को, ये तो हमारा अगला क्वेश्चन, स्टेट करने इफेक्ट ऑफ फोर्स इन द फॉलोइंग। तो आपको इफेक्ट ऑफ फोर्स बताने हैं, चेंज इन शेप, चेंज इन स्पीड और चेंज इन डायरेक्शन। अब जब हम पिचकाते हैं लेमन को तो क्या होता है, चेंज हो जाती है शेप। जब बैट्समैन बॉल को हिट करता है तो स्पीड और डायरेक्शन चेंज होती है। जब कार स्टॉप की जाती है ब्रेक अप्लाई करके, तो स्पीड में चेंज होता है। और ब्लैक स्मिथ जब हैमर करता है पीस ऑफ हॉट आयरन को, तो क्या होता है, शेप चेंज हो जाती है। अगला आपको दो एग्जाम्पल बताने अपनी सराउंडिंग से, वेयर जो है फोर्स चेंज करती है डायरेक्शन एंड स्टेट ऑफ मोशन। तो अ बैट्समैन हिटिंग अ बॉल एंड अ कार स्टॉप बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। सेकंड, क्या होगा इफ जो अप्लाइड फोर्स है ये डायरेक्शन अपोजिट में है डायरेक्शन ऑफ मोशन के, तो द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विल डिक्रीज। तो इस तरह से आप लिखेंगे। यहाँ पे वर्कशीट खत्म होती है। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट के संग, तब तक के लिए बाय एवरी।